साल 2013 क्वींसलैंड म्यूजियम के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू रोसफेल्ड्स के हाथ एक स्कॉर्पियन का फॉसिल लगा। नहीं, कोई साधारण सा दिखने वाला एक या दो इंच छोटा स्कॉर्पियन का फॉसिल नहीं, बल्कि एक भेड़िए जितना बड़ा स्कॉर्पियन का फॉसिल। लेकिन ये इकलौता ऐसा फॉसिल नहीं था जो कि काफी अनकॉमन सा था। इनफैक्ट उन्हें बिल्लियों जितने जायंट स्पाइडर्स मिले, ऑस्ट्रिच जितने लंबे जायंट कॉकरोचेस मिले, एनाकोंडास जितने बड़े मिलीपीड्स मिले और किसी बास जितने बड़े जायंट ड्रैगन फ्लाइज के फॉसिल्स भी मिले। और जब इन फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग की गई तब ये सामने आया कि ये फॉसिल्स डायनासोर्स के जन्म से भी करोड़ों साल पुराने थे। मतलब जस्ट इमेजिन, डायनासोर्स के भी जमाने से पहले एक ऐसी दुनिया हुआ करती थी जहां पर ये जायंट कीड़े मकोड़े राज किया करते थे। सो लेट अस फाइंड आउट। वेल, आज से करीबन 600 साल पहले स्पेस से हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी, पहचान में भी नहीं आ रही है, राइट? वेल, एंड दैट्स बिकॉज़ तभी सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे और दुनिया में सिर्फ एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेनोटिया सुपर कॉन्टिनेंट। ये मैं पैंजिया से भी पहले की बात कर रहा हूं। अब एट द सेम टाइम इंटरनली पृथ्वी पर जमीन पूरी तरीके से बंजर थी, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़, ना जीवों को जिंदा रहने के लिए एक परफेक्ट एटमोस्फियर। उस वक्त हमारे पृथ्वी के पास एक एटमोस्फियर तो था, एक रूडिमेंट्री, एक बेसिक सा एटमोस्फियर, लेकिन उसमें ओजोन लेयर लैक हो रहा था और इसी वजह से यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ में पेनिट्रेट कर पा रहे थे। और अगर कुछ लाइफ फॉर्म क्रिएट होने की कोशिश भी कर रही थी, जन्म लेने की कोशिश भी कर रही थी, तो यूवी रेस उसे हार्म करके, डैमेज करके उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। बट बायोलॉजी में जैसे हमेशा कहा जाता है कि लाइफ ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू प्रोलिफरेट, उसी तरीके से हमारे पुराने अर्थ में भले लैंड में लाइफ पॉसिबल नहीं था लेकिन पानी में तो था, और पानी में स्लोली स्लोली करके लाइफ डिवेलप होने लगा इन द फॉर्म ऑफ एमीबा और बाद में जाके थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म यानी कि एल्गी। And now, as we all know, algae एक typical plant है और वो energy produce करने के लिए एक ही technique को use करता है, which is, yes, photosynthesis. So simple, जैसे कि हमें पता है photosynthesis का byproduct होता है oxygen. अब जैसे जैसे पानी में algae formation का rate बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ही oxygen levels भी increase होने लगेंगे। और अब क्योंकि पानी के मुकाबले oxygen gas lighter gas है और इसीलिए वो ocean surface से atmosphere में mix होते गया और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ लाइफ इवॉल्व होती गई। इस प्रोसेस से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तब्दील हो पाए और देखते ही देखते आज से कुछ 530 मिलियन ईयर्स पहले हमारी दुनिया के ओशंस बहुत सारे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स से काफी कम टाइम में ही भर उठे, जैसे कि आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क्स, वर्म्स, स्पॉन्जेस, एकिनोडर्म्स, पिकाया, एनोमेलोकेरिस, विवैक्सिया, हेलुसिजीनिया एटसेट्रा, जिसके वजह से रिसर्चर्स ने इस पीरियड को नाम दिया द केम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये एक ऐसा पीरियड था जब इस पृथ्वी पर शिकार और शिकारी दोनों का जन्म हो चुका था और इसी के साथ ही एक फूड चेन भी एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया। यू सी, इस समय समुद्र की सतह एल्गी और मॉसेस से भरी हुई थी जिस पर गुजारा करते थे ट्राइलोबाइट्स यानी कि क्रैब्स की तरह दिखने वाले और रहने वाले जीव। ये जीव उस वक्त भी आज के जमाने के क्रैब्स की तरह ही साइज में हुआ करते थे और इस पर शिकार किया करते थे जायंट श्रिम्प्स एनोमेलोकेरिस, जिनका साइज 200 सेंटीमीटर जितना बड़ा हुआ करता था, यानी लगभग 6.5 फीट लंबे इंसान जितना। अब ऑब्वियसली उस जमाने में जो मैजिकल बायोडाइवर्सिटी अपीयर करी थी, that was not here to stay permanently. In fact, इस पूरे ब्रह्मांड का जो कोर प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, that is nothing but evolution. Evolution आपको हर जगह पे दिखेगा, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, हर जगह पर चीजें इवॉल्व होती है, बिकॉज मोशन and time is everywhere in this universe, right? अब friends, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा मेरे सब्सक्राइबर के साथ जो हमें मिलने आए थे और एक बहुत ही एक्साइटिंग गुड न्यूज है जो वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। Hello everyone, I am Anshif Tajuddin. मैं आपका एक रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ। I am a graduate in Bachelor's of Engineering in Electronics and Telecommunications Department from Thakur College of Engineering and Technology. So I am a very career-focused guy. And by watching sir's video, I got to know about this re-level website by an academy. And by this, I got to know about this. We clear this exam, then we can get a placement in a very attractive company with a cherry-picking package. That's so एक test होता था जो clear करना होता था? Yes, there एक test होता था। आपने test clear कर लिया? Yes, that's right. एक test clear कर लिया। तो इसका procedure कैसा है? So basically the steps is आपको वेबसाइट पे जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल relevel.com, एक बार अच्छे से ग्लैंस कर लीजिए उसको, देख लीजिए क्या क्या ऑफर करते हैं, and then after that you have to apply for it. उसके बाद एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, and it's natural process, you can do that, everyone can do that. एक डिटेल में भर दीजिए,
नेक्स्ट स्टेप इज टू गो थ्रू द कोर्सेज. कोर्सेज खत्म होने के बाद यू विल गेट एन आइडिया ऑफ वेयर यू वॉन्ट टू गो, द कंपनीज विच यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, द एग्जाम हाउ टू क्लियर इट. सो बेसिकली इनका जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आपका डिग्री इतना मैटर नहीं करता है, बस आपको टेस्ट क्लियर करना है. टेस्ट आपने क्लियर कर लिया तो आपको बेस्ट से बेस्ट पैकेजेस दिलाते हैं. सो रीलेवल इस मामले में बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको बेसिकली टेस्ट क्लियर करना है, आपकी डिग्री इतना मैटर नहीं रखती, बट आपने टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको आपके डिग्री से बेहतर जॉब भी मिल सकता है. यहाँ पर 800 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स और कंपनीज है जो कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए रेडी है. सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, अपीयर फॉर द टेस्ट एंड रीशेप योर करियर. बट उस पीरियड में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से एवोल्यूशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गया. वो जमाने में भी एवोल्यूशन हो रहा था और आज भी हो रहा है, लेकिन आज के कंपैरिजन में वो एवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा फास्ट होने लगा. सो उसके पीछे रीजन क्या था? वेल, इस चीज के पीछे काफी सारे साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि वो एग्जैक्ट लिंक क्या था कि एवोल्यूशन इतना ज्यादा स्पीड फास्ट हो गया. और इसीलिए इस पीरियड का नाम भी पड़ा है द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, यानी एक छोटे से पीरियड में एक्सप्लोजन ऑफ स्पीशीज होने लगे. सो पृथ्वी में सिचुएशन कुछ इस तरह था कि लाइफ रैपिडली इवॉल्व भी हो रही थी और इसे सर्वाइव कराने के लिए जरूरी ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मौजूद था. लेकिन पानी के बाहर अगर आप नजर घुमाते तो जमीनें अभी भी बंजर थी. कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के करोड़ों साल बाद भी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स पानी के अंदर ही पनप रहे थे. जमीन पर प्लांट्स या एनिमल्स का कोई भी नामो निशान नहीं था, घास का एक तिनका तक नहीं था. और इसके पीछे का रीजन क्या था, हमने कुछ ही टाइम पहले डिस्कस किया. वेल यस, सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन. लेकिन आज से करीब 460 मिलियन साल पहले फाइनली ओजोन लेयर बनके रेडी हो चुका था because of all that extra oxygen. यानी कि अब लाइफ वाटर से लैंड पर इजीली ट्रांजिशन कर सकती थी, अपने प्रेडेटर्स से बच के सर्वाइव कर सकती थी. लेकिन उस समय तक जैसे हमने जाना कि बायोडायवर्सिटी बहुत बढ़ चुकी थी, जिस वजह से शिकारियों की संख्या भी बहुत बढ़ चुकी थी, और वो शिकारी भी मामूली साइज के नहीं थे, बल्कि इतने विशालकाय थे कि वो हमारे आज के ग्रेट व्हाइट शार्क्स से भी बड़े हुआ करते थे. और इसीलिए फिर उनसे बचने के लिए कुछ जानवरों ने हमारे जमीन की तरफ अपने कदम बढ़ाए और आर्थ्रोपॉड्स, रेप्टाइल्स और बाकी के सभी ऑर्गेनिजम्स ने जमीन पर अपनी नई दुनिया बनाना शुरू कर लिया. लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाई गई दुनिया तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में वक्त के साथ इस दुनिया का नक्शा ही बदलने वाला था. जैसे ही लाइफ ने जमीन पर कदम रखा, मानो वो जैसे दौड़ने ही लगे. एल्गी जैसी सिंगल सेलुलर बीइंग्स फंगस में तब्दील हो गए, फंगस से छोटे प्लांट्स और छोटे प्लांट्स से 100 फीट लंबे पेड़ों में इवॉल्व हो गए. और बस फिर क्या था, पूरे पृथ्वी पर एक घना बड़ा सा ट्रॉपिकल जंगल खड़ा हो गया, जो बहुत हद तक आज के फॉरेस्ट की तरह ही दिखता था. इस पीरियड को रिसर्चर्स ने नाम दिया द कार्बोनिफेरस पीरियड. अब इस पीरियड का नाम सुनके अगर आपको ये लग रहा होगा कि समहाउ रिलेटेड टू कार्बन, वेल देन यू आर राइट. सी, इस समय तक ट्रीज और प्लांट लाइफ फॉर्म हो चुकी थी, पर जैसे हम सब जानते हैं अगर कोई भी चीज जन्म लेती है तो उसका अंत होना भी तय होता है. और वैसे ही ट्रीज तो बढ़ रहे थे पर एक समय के बाद वो मर भी रहे थे. लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि इन ट्रीज के मरने के बाद उन्हें डीकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया अभी तक इवॉल्व ही नहीं हुए थे, जिसकी वजह से इन मरे हुए पेड़ों पर वक्त के साथ मिट्टी की परत जमा होती गई और पेड़ जमीन के और नीचे नीचे धंसते गए. और फिर जितने वो नीचे धंसते गए, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया, और कई सालों के हाई प्रेशर और टेम्परेचर्स के बाद ये ट्रीज कोल में कन्वर्ट हो गए. यस, बेसिकली आज हम जिस कोल की मदद से एनर्जी जनरेट करते हैं वो इस पीरियड में, मतलब आज से 358 मिलियन साल पहले मरे हुए पेड़ों के फॉसिल्स हैं. और सैडली हम इस फ्यूल को भी ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुके हैं. पर लकीली इनमें से कुछ पेड़ कोल में कन्वर्ट हुए ही नहीं और उनके फॉसिल्स रिसर्चर्स के हाथ लगे, जिन्हें स्टडी करने के बाद ये सामने आया कि करोड़ों साल पहले मिले हुए फॉसिल्स आज के ट्रीज से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, सिवाय एक चीज के, ट्री ट्रंक्स में दिखाई देने वाली रिंग्स. बेसिकली अगर आपने कभी वुड का क्रॉस सेक्शन व्यू किया होगा तो उसमें कई सारे रिंग्स आपको दिखाई देते हैं कुछ इस तरह, जिनकी मदद से उस पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट का अंदाजा लगाया जा सकता है. मतलब जैसे ट्रीज का ग्रोथ रेट बढ़ते जाता है उनके रिंग्स भी बढ़ते जाते हैं. सो ऑब्जर्वेशन के अनुसार ऐसा पाया गया कि अक्सर अगर ट्री रिंग्स वाइडर होते हैं तो उस रीजन का क्लाइमेट वार्म और वेट होता है, और अगर फाइन ट्री रिंग्स होते हैं तो क्लाइमेट कोल्ड एंड ड्राई होता है. पर हमें मिले हुए फॉसिल्स में कोई रिंग स्ट्रक्चर था ही नहीं. सो इसका मतलब ये होता है कि उस रीजन में सिर्फ एक ही सीजन था, लेकिन फिर भी इस कॉन्स्टेंटली ह्यूमिड ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में कई सारे एनिमल्स अपना घर बना रहे थे. एक्चुअली अगर टेक्निकली देखा जाए तो इन्हें एनिमल्स बोलना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि उनका सिर्फ साइज एनिमल्स इतना बड़ा था
लेकिन वो तो साधारण से इंसेक्ट्स थे। पर अब क्योंकि इनका साइज ही इतना विशाल था और इसी वजह से उस दौरान दुनिया पर इन्हीं का ही राज था। अब एग्जांपल के तौर पर इस मिलीपीड को ही ले लो। पिक्चर में भले ये छोटा दिख रहा होगा लेकिन इसका साइज एक घोड़े जितना बड़ा हुआ करता था। एंड नॉट ओनली दिस, उस समय के जायंट ड्रैगन फ्लाइज नोन एज मेगान्यूरा एम्फीबियंस और वर्टिब्रेट्स का शिकार किया करते थे। इनफैक्ट वो उस समय के दूसरे छोटे इंसेक्ट्स को भी अपना शिकार बनाते थे और इनका साइज और वजन भी एक कौवे जितना बड़ा हुआ करता था। अब क्योंकि इनके पहले हमें कोई जानवर नहीं मिला जो उड़ सकता था, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि शायद कि यही वो सबसे पहले जीव हुआ करते थे जो उड़ सकते थे। और अब मैंने शायद इसीलिए यूज किया क्योंकि अभी भी डिस्कवरीज जारी है, यानी हो सकता है इसके पहले भी उड़ने वाले जीव मौजूद हुआ करते थे जो अभी तक हमें नहीं मिले। बट नाउ आयरोनिकली टेबल्स हैव टर्न्ड, आज यही ड्रैगन फ्लाइज इन एम्फीबियंस और वर्टिब्रेट्स के शिकार हुआ करते। मानो जैसे समय का पहिया चलता है तो वक्त बदल जाता है। बट एवोल्यूशन की भाषा में इसे कहेंगे द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? और अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, रिसर्चर्स को इस पीरियड के फॉसिल्स में 1 मीटर लंबे स्कॉर्पियंस का भी फॉसिल मिला है। तो यहाँ नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि ये सभी इंसेक्ट्स का साइज इतना बड़ा होने के पीछे वजह क्या थी? वेल, यू सी, उनके इतने बड़े साइज के होने के पीछे की वजह थी उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसेक्ट्स के पास हमारे जैसे लंग्स नहीं होते और ना ही वो नाक से सांस लेते हैं। वो ब्रीदिंग के लिए उनकी स्किन का यूज करते थे। बेसिकली इन इंसेक्ट्स की स्किन पर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे विच इज नोन एज स्पाइरिकल्स। इसकी मदद से इंसेक्ट्स ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्योंकि 300 मिलियन साल पहले ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले 15% ज्यादा थी और इसीलिए जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतनी बड़ी स्किन और जितना कम ऑक्सीजन उतनी छोटी स्किन। इनफैक्ट साइंटिस्टों ने जब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इंसेक्ट्स को आर्टिफिशियली हाई ऑक्सीजन सप्लाई देना शुरू किया, तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उन इंसेक्ट्स की नई जनरेशन का साइज पिछली वाली से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। पर जल्द ही इन सारे बड़े जीवों का अंत एकदम नजदीक था क्योंकि अर्थ रेडी हो चुका था अपने सबसे बड़े मैस एक्सटिंक्शन के लिए, विच इज परमियन मैस एक्सटिंक्शन। पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से जगह जगह पर वोल्केनिक इरप्शंस होने लगे और वोल्केनो से निकला सल्फ्यूरिक गैस एटमोस्फियर में घुलने लगा, जिससे कि पूरी दुनिया पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होने लगी। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन का लेवल बढ़ते गया और ऑक्सीजन लेवल कम होते गए और अब ये तबाही इतनी विशाल थी कि इसमें दुनिया के 95% ऑर्गेनिजम्स विलुप्त हो गए। दुनिया फिर एक बार मानो बंजर सी हो गई और जितने भी जीव बचे थे वो समय के साथ साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से उन इंसेक्ट्स का साइज भी छोटा होते चला गया। सो अब यहां पर हमें एक पैटर्न कंसिस्टेंट नजर आता है। दुनिया में जितने भी मैस एक्सटिंक्शंस हुए, उन सभी एक्सटिंक्शंस में जो बड़े जीव हैं उनका अक्सर खात्मा हो जाता है, लेकिन जो छोटे जीव होते हैं वो अक्सर बच जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं या फिर वो अपनी एक अच्छी सी इकोसिस्टम ढूंढ लेते हैं। और ऐसा ही कुछ उस वक्त भी हुआ, जो बचे कुछ छोटे-छोटे जीव बच गए थे उन्होंने फिर बाद में जन्म दिए आगे की प्रजातियों को। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स डिस्कस किए, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स एक्चुअली में डायनासोर के पहले के। So imagine करो, अब तक डायनासोर्स भी नहीं आए और पृथ्वी पर कितना कुछ हो चुका है लाइफ को लेकर। अब ये लाइफ का विषय मुझे पर्सनली काफी ज्यादा फैसिनेट करता है कि कैसे एक सिंगल सेलुलर फॉर्म से, यार सिंगल सेलुलर भी छोड़ो उससे पहले, कैसे जस्ट कुछ बेसिक लाइफ के कॉन्स्टिट्यूएंट से, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सबसे आगे जाके लाइफ इवॉल्व हो चुकी, कैसे डीएनए बना, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पॉसिबल हो पाया। वेल, दिस इज ट्रूली ब्यूटी ऑफ नेचर। और इस पर मैंने एक लाइव स्ट्रीम कंडक्ट किया था, उस लाइव स्ट्रीम का टॉपिक होगा व्हाई साइंस सेज गॉड डजंट एग्जिस्ट। वो आप ऊपर आई बटन पर दबा के देख सकते हो। अच्छा खासा 3 घंटे का लाइव स्ट्रीम है, आपको बहुत ही ब्रिलियंट पर्सपेक्टिव मिलेगा कि लाइफ की ओरिजिनेशन एक्चुअल में कैसे हुई थी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।